सोचो अगर गाड़ियां हमारी तरह सोच सकती थी, क्योंकि अभी पुणे में एक 17 साल का लड़का 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड से पोर्शे चला रहा था और उसने एक बाइक को टक्कर मारी और दो लोगों की जान ले ली। अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हर एक सिग्नल पर एक कैमरा होता है और वो कार कई महीनों तक विदाउट नंबर प्लेट रोड पर चल रही थी। अगर कोई भी लाइन क्रॉस करता है या हेलमेट नहीं पहनता तो चालान हमारे नंबर पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो क्या कभी उन कैमरास में ये कार कैप्चर नहीं हुई होगी, या कभी ट्रैफिक पुलिस ने ये नोटिस नहीं किया होगा? पेरेंट्स ने भी एक माइनर को कार ड्राइव करने दी, क्लब ओनर ने माइनर को अल्कोहल सर्व किया। अगर ये सब चीजें पहले कैप्चर हो जाती तो शायद ये एक्सीडेंट बच जाता। लेकिन सोचो अगर पोर्शे में एआई होता। आपने टेस्ला का एक वीडियो जरूर देखा होगा जहाँ टेस्ला क्रिमिनेशन ग्राउंड में चल रही थी और वो गोस्ट को डिटेक्ट कर पा रही थी। तो क्या एआई ह्यूमंस को डिटेक्ट नहीं कर पाता था? जब गाड़ी स्पीड पकड़ रही थी तब एआई ड्राइविंग पैटर्न्स को मॉनिटर कर सकता था और 150 किलोमीटर पर आर की रेकलेस ड्राइविंग डिटेक्ट कर सकता था और एआई ड्राइवर कंट्रोल को ओवरराइड करके एक सेफ डिसीजन ले पाता। दो, एआई उस अंडरएज ड्राइवर की आइडेंटिटी स्कैन करके डेटाबेस में सर्च करके पहचान लेता कि वो लड़का अंडर 18 है और इंडिया में लीगली ड्राइव नहीं कर सकता। एआई तुरंत गाड़ी का इग्निशन डिसेबल करके उन दो लोगों की जान बचा लेता। आपको क्या लगता है किसकी गलती थी, पोर्शे की टेक्नोलॉजी की, वो लड़के की, पेरेंट्स की या गवर्नमेंट की?